देखो यार, मेरे घर में ना बस दो ही तरीके का चेयर्स है, एक ये वाला जो कि लकड़ी से बना हुआ है और दूसरा ये वाला जो कि लोहे से बना हुआ है। अब देख के पता चल रहा है जो लकड़ी से बना हुआ है वो है नॉन मेटल और जो लोहे से बना हुआ है वो है मेटल। इसी तरीके से तुम्हारे घर में भी कई सारी चीजें होगा जो तुम हर रोज इस्तेमाल करते हो, लाइक तुम्हारे घर का चाबी हो या फिर जो तुम्हारे पॉकेट पे रखा हुआ 1 रुपए वाला सिक्का है, दोनों के दोनों क्या है, मेटल है। एग्जैक्ट इसी तरीके से जो तुम्हारे फ्रिज में रखा हुआ वो बॉटल हो या फिर ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर इरेजर, ये दोनों ही एग्जांपल है नॉन मेटल्स के। हमारे चारों ओर हम ऐसे चीजों से घिरे हुए और रोज इस्तेमाल करते हैं जो कि या तो मेटल से बना हुआ होता है या तो नॉन मेटल या फिर दोनों का मिक्सचर से कुछ बना हुआ होता है। अब सवाल ये उठता है कि तुम पता कैसे करोगे क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है या फिर कोई कंबाइन स्टेट पे मेटल या नॉन मेटल के साथ बना हुआ है। बहुत आसान है यार, जैसे एक हुतिए का पहचान होता है कि उसे पैसे उधारी पे दे दो और उसके बाद देखो कि कैसे वो रंग बदलता है। बिल्कुल ऐसे केमिस्ट्री के अंदर पे अगर तुम्हें किसी चीज को पहचानने की क्या है नहीं है, बस उसका केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लो। और आओ हम अब इसी को देखते हैं, बट इससे पहले मैं तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका हूँ एक स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये चैप्टर मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ करते हैं शुरुआत। हाँ तो पहले शुरुआत करते हैं मेटल्स से, और मेटल में भी ना सबसे पहले जानते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मेटल। अब तुमने वो एड तो देखा ही होगा हैप्पीडेंट का, जहाँ हैप्पीडेंट खाते ही दांत या ट्यूबलाइट की तरह चमकने लगता है। बिल्कुल इसी तरीके से सारे मेटल्स अपने प्योरेस्ट फॉर्म पे चमकते रहता है और इस प्रॉपर्टी को कहता है लस्टर। अब इसके बाद क्या तुम्हें पता है, वैसे तो मेटल्स बहुत ही हार्ड होते हैं बट तुम मेटल्स को हथौड़े से पीट पीट के ना ऐसे पतले सीड्स पे कन्वर्ट कर सकते हो। शॉकिंग है राइट। अब इस प्रॉपर्टी को कहता है मैल्युएबिलिटी। गोल्ड एंड सिल्वर दुनिया के अंदर में सबसे ज्यादा मैल्युएबल मेटल्स में से एक है। अब रुको, यहाँ खत्म नहीं हुआ, इससे आगे और भी है। क्या तुम्हें पता है कि मेटल्स को तुम ऐसे मार मार के खींच खींच के ना तार तक बना सकते हो। नॉर्मली तुम देखोगे जितने भी तार है उसके अंदर पे मेटल लगा होता है। अब इस प्रॉपर्टी को कहता है डक्टिलिटी, और लाइक इसमें भी ना गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल होता है। लिटरली तुम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ का एक वायर बना सकते हो। शॉकिंग राइट। अब इससे बड़ा शॉकिंग चीज ये होता है, आज हमारे पास जो भी चीजें हैं मेटल या नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो भी चीज, वो इसलिए है क्योंकि मेटल के अंदर पे ये दो प्रॉपर्टीज है, मैल्युएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये क्या करता है, मेटल को शेप प्रोवाइड करता है। मान लो अगर कल से अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज मेटल के अंदर से हट जाए ना, तो यार मेटल को कोई शेप ही नहीं दे पाएगा, टूट जाएगा वो। और जब टूट जाएगा तो भाई साहब हमें जाना पड़ेगा फिर वही हजारों साल पहले वाला जिंदगी, जंगलों में खाओ जंगलों में जियो चिल मारो, मतलब बुरा नहीं है वो भी। हाँ मतलब अब आगे देखो, जैसे मेंटोस खाती है तुम्हारी दिमाग की घंटी बज जाती है, उसी तरीके से मेटल तो हार्ड होता है बट उसके सरफेस पे अगर कोई जोर से मारे ना हथौड़े या कोई भी चीज से, तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है और इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं सोनरस। और ये तो तुम्हें पता होगा कि मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई होता है। आखिरी चीज कंडक्शन। मेटल ना हमारा बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, जिसमें से सिल्वर एंड कॉपर है दुनिया का सबसे बेस्ट कंडक्टर और सबसे बेकार कंडक्टर है लीड एंड मर्क्यूरी। अब बात करते हैं सीधा नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज का। देखो घबराओ मत, जो प्रॉपर्टीज था मेटल के अंदर पे उसका एकदम अपोजिट है, ठीक है। अब मेटल के अंदर पहला प्रॉपर्टी था कि वो चमकता है, तो ये बिल्कुल नहीं चमकता है, ठीक है, यानी कि इसका प्रॉपर्टी है नॉन लस्टर। अब फिर मेटल के अंदर 2 प्रॉपर्टीज था कि मेटल को तुम मार मार के तुम प्लेन सीट पे कन्वर्ट कर सकते हो या फिर तुम वायर पे कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि तुम तोड़ सकते हो मोड़ सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो मेटल के साथ, पर तुम नॉन मेटल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि नॉन मेटल के 2 प्रॉपर्टीज क्या है, नॉन मेलेबिलिटी एंड नॉन डक्टिलिटी। तीसरा चीज देखो, मेटल के अंदर पे बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता था रिंगिंग सा जब भी तुम उसके ऊपर मारोगे, जिसे हम कहते थे सोनोरस। ये क्या है, नॉन सोनोरस। अब नॉन सोनोरस से याद आया यार, मुझे लगता है कभी-कभी ना मैं भी ना नॉन सोनोरस ही हूं। मान लो आसपास बच्चे रो रहे हैं 1-2 साल वाला, ठीक है, अब मेरे गोदी पे डाल दो वो चुप हो जाएगा। वो बात अलग है कि वो मेरा कपड़ा गीला कर देता है, मतलब कभी कभी तो मुझे ऐसा फील होता है ना कि मैं ना सार्वजनिक शौचालय वो बच्चों के लिए, मतलब बहुत बुरा लगता है यार, कोई बच्चा रो रहा होता है मेरे गोदी पे आके क्यों मुतना होता है भाई तुम्हें। खैर ये तो मेरी दुखी भरी कहानी थी। अब आखिरी प्रॉपर्टी था कि मेटल जो होता है बहुत ही गुड कंडक्टर होता है, तो इसका उल्टा होगा, यानी कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होगा। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। बट रुको यार, हम एक चीज तो करना भूल ही गए। तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री जाना जाता है बस एक ही चीज के लिए, एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस एक्सेप्शंस। अब जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ा ना मेटल या नॉन मेटल का, उनके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है। अब वो क्या क्या है, आओ देखते हैं। देखो पहला एक्सेप्शन, नॉन मेटल ज्यादातर या तो सॉलिड स्टेट पे होगा या तो गैसीय स्टेट पे होगा, एक्सेप्ट वन ब्रोमाइन। ये क्या है, लिक्विड स्टेट पे, तो ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा बाकी जितने भी नॉन मेटल्स है या तो वो गैसियस फॉर्म पे होता है या तो वो सॉलिड फॉर्म पे होता है। अब फिर तुम्हें पता है कि नॉन मेटल्स कभी भी एक अच्छा कंडक्टर नहीं माना जाता है इलेक्ट्रिसिटी या हीट को लेके, ठीक है, बट ग्रेफाइट जो कि एक कार्बन का एलोट्रॉप है उसे माना जाता है कि बहुत ही अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब और एक एक्सेप्शन देखो, तुम्हें पता है कि नॉन मेटल चमकते नहीं, बट आयोडीन भाई साहब गजब चमकता है, यानी कि उसके अंदर पे वो प्रॉपर्टी है
लस्टर वाला, तो ये एक एक्सेप्शन है। अब बात करते हैं मेटल के बारे में भी। तो तुम्हें पता है कि मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म पे ही होते हैं, बट मर्क्यूरी क्या फॉर्म पे होता है? लिक्विड फॉर्म पे। एंड तुम्हें पता है कि मेटल जनरली क्या होता है? हार्ड होता है, बट तीन ऐसे अल्कलाई मेटल होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट, यहाँ तक कि छूते ही वो टूट सकते हैं। क्या क्या? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब जब हार्डनेस का बात उठ ही रहा है तो डायमंड को कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें पता है कि नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड एक्सेप्शन है। यहाँ तक कि तुम्हें पता है कि डायमंड दुनिया में सबसे हार्डेस्ट चीजों में से एक है। आखिरी एक एक्सेप्शन का बात करते हैं। तुम्हें ये चीज पता है कि मेटल का जो होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बट अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कुछ ऐसे नॉन मेटल्स होते हैं जो एग्जैक्ट इसका उल्टा होता है, लाइक डायमंड, डायमंड के अंदर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है, जबकि ये एक नॉन मेटल है। और बिल्कुल इसी तरीके से कुछ मेटल्स होते हैं जिनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, लाइक सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम। तो हाँ, एक्सेप्शन हर जगह होता है, इंसानों में भी तुम देखते हो। ऐसा नहीं होता है कि तुम किसी भी कम्युनिटी, किसी भी लोगों को, फैमिली में भी हर कोई बुरा नहीं होता और हर कोई अच्छा भी नहीं होता है। Exceptions are always there, right? तो अभी physical property का exception तो हमने जान लिया, अब बात करते हैं और बढ़ते हैं सीधा chemical properties of metal and non-metal की ओर। अब यहाँ हम सिंपली क्या करेंगे, अलग अलग मेटल्स को रिएक्ट करवाएंगे, पहले एयर के साथ, फिर वाटर के साथ, एंड देन एसिड के साथ, और आखिर में हम रिएक्ट करवाएंगे अदर मेटल्स साथ के साथ। और हमारा फाइनल गोल ये रहेगा कि मेटल किस तरीके से रिएक्ट करता है इन सारी चीजों के साथ, जिससे हम समझ पाएंगे रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। एक टेबल है, रिएक्टिविटी टेबल, अल्टीमेट गोल है हमारा जानना उसके बारे में। तो सीधा बढ़ते हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की ओर। जब तुम रिएक्ट करवाते हो मेटल को एयर के साथ, यानी कि देखो एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो इनडायरेक्टली तुम कह सकते हो कि जब तुम मेटल को रिएक्ट करवाते हो ऑक्सीजन के साथ, तो सिंपल सा मेटल है, ऑक्सीजन है, रिएक्ट करवाया, बना मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल, कॉपर है तुम्हारे पास, तुमने उसे ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया और बनाया तुमने कॉपर ऑक्साइड। अब एक मिनट रुको, थोड़ा बहुत हम जानते हैं पहले मेटल ऑक्साइड होता क्या है। देखो, बेसिकली मेटल ऑक्साइड एक बेसिक इन नेचर होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा ही रिएक्ट करेगा एसिडिक चीजों के साथ, क्योंकि ऑपोजिट अट्रैक्ट इच अदर, और रिएक्ट इच अदर भी कह सकते हो। बट देखो, कुछ ऐसे मेटलिक ऑक्साइड भी होते हैं जो क्या करता है, एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हमारे आसाम में हम ऐसे लोगों को कहते हैं दलाल, है मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारा भी खा रहा है और मेरा भी खा रहा है, तो सेंस नहीं बनता ना। दोस्ती करना है तो मेरे से कर या उससे कर, क्या ये बीच में रह के क्या कर रहा है तू? अब इसे केमिस्ट्री के टर्म पे कहते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड, यानी कि वो ऑक्साइड जो एसिड एंड बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, उसे कहते हैं एम्फोथेरिक ऑक्साइड। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड। देखो, एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। एल्युमिनियम ऑक्साइड को तुम एसिड के साथ रिएक्ट करवा के साल्ट एंड वाटर बना सकते हो, साथ ही साथ तुम एल्युमिनियम ऑक्साइड को बेस के साथ भी रिएक्ट करवा के वही सेम चीज, यानी कि साल्ट एंड वाटर बना सकते हो। अब हम आते हैं वहां जहां हमने सारी चीजों का शुरुआत किया था, यानी कि जब हमने मेटल को रिएक्ट करवाया था ऑक्सीजन के साथ, तो बना था मेटल ऑक्साइड, राइट? अब देखो, ये जो रिएक्शन है ना मेटल का ऑक्सीजन के साथ, यहाँ मेटल अलग अलग तरीके से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, और यही जो रिएक्शन है ना मेटल का, इसे ही हमें समझना है रिएक्टिविटी टेबल के अंदर। सिंपली ये है, देखो तुम रिएक्टिविटी टेबल, जहां में जो ऊपर के एलिमेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, और जो नीचे के एलिमेंट्स है ना वो बहुत ही कम रिएक्टिव है, यानी कि ना के बराबर रिएक्टिव है। तुम्हें ऐसा समझ नहीं आया होगा, इसे डिटेल में आगे समझाऊंगा, बट अभी ऐसा समझो मेरे बेस्टी का एग्जांपल से, लाइक वो ना, अगर इस टेबल के अंदर पे तुम कहीं पे उसे प्लेस करो ना, तो एकदम टॉप पे आएगा, एकदम टॉप पे, इतना रिएक्टिव है, मतलब गुस्सा इतना भाई कि रिसेंटली एक महीने पहले उसका ब्रेकअप हुआ है, मतलब मैं कैसे उसका बेस्ट फ्रेंड बन के बैठा हुआ हूं ना, इसका भी एक अलग स्ट्रगल है, ठीक है। और दूसरी तरफ ऐसे बंदियां होती है ना जिन्हें गुस्सा ही नहीं आता, लिटरली उन्हें गुस्सा आता ही नहीं, तुम कुछ भी बोल लो। मैं जब भी कभी ऐसे बंदियों को देखता हूँ ना, बस सोचता हूँ, अरे यार तुम स्वर्ग से आई हुई अप्सरा हो क्या? मतलब ऐसी एक स्वर्ग से आई हुई अप्सरा तो मैं भी डिजर्व करता हूँ यार। तो जो अप्सरा टाइप होती है ना वो मतलब नॉन रिएक्टिव, और जो मेरी बेस्टी टाइप होती है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव। खैर, तो अब मेटल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, तो अब देखते हैं। हाँ, एकदम टॉप पे आता है पोटेशियम एंड सोडियम, जो कि हवा के कांटेक्ट यानी कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट पे आते ही जल जाता है, देख रहे हो कितना रिएक्टिव है, जिसकी वजह से हम इन दोनों मेटल्स को केरोसिन के अंदर पे डुबा के रखना होता है ताकि ये रिएक्ट ना करे ऑक्सीजन के साथ। और फिर उसके बाद आता है कुछ मेटल जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लीड। ये क्या होता है, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट तो करता है ऑक्सीजन के साथ, बट अलग तरीके से रिएक्ट करता है। तो लाइक जब भी तुम इन मेटल्स को ऑक्सीजन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे लाओगे, तो इन मेटल के ऊपर में एक लेयर बनेगा ऑक्साइड का। अब ये ना एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करता है, लाइक अब ये ना ऑक्सीजन को इन मेटल के साथ रिएक्ट ही नहीं होने देगा, क्योंकि अब वो ऑक्साइड का लेयर बीच में आ गया है ना। अब इसकी वजह से ना इन मेटल्स के अंदर पे लाइक एल्युमिनियम है या जो मैग्नीशियम है, इनके अंदर में कभी भी ये जो कोरोजन या रस्टिंग वाला प्रॉब्लम कभी नहीं होता, क्योंकि जैसे ये मेटल्स ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट आते हैं तो इनके ऊपर में एक मेटल ऑक्साइड का लेयर बन जाता है, जो कि ऑक्सीजन के साथ आगे रिएक्ट नहीं देता है।
और फिर आयरन का बात करते हैं। तो देखो आयरन को तुम आसानी से जला नहीं सकते हीट करके, बट जो आयरन फील्स होता है ना, यानी कि आयरन का पाउडर, ठीक है, एकदम पाउडर फॉर्म में जो होता है आयरन, वहां पे आसानी से हीट करते वो जल जाता है। फिर कॉपर का भी एकदम सेम सीन है, ये भी हीट करने पे नहीं जलता है, इसके ऊपर भी एक ब्लैक कलर का कोटिंग बन जाता है जिसे तुम कह सकते हो कॉपर ऑक्साइड का लेयर बन जाता है। और ये क्या करता है, आगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं होने देता है, जिस वजह से कॉपर कभी जलता ही नहीं है, बर्न ही नहीं होता है, ठीक है। अब एकदम आखिर में सिल्वर एंड गोल्ड, ये वो दो मेटल्स है जो कभी रिएक्ट करते नहीं, चाहे टेम्परेचर कितना भी बढ़ा दो, कुछ भी कर दो, एयर के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ कभी रिएक्ट करते ही नहीं है। मैंने बताया था ना ये वो कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, मतलब स्वर्ग की अप्सरा वाली, ठीक है ना, मतलब रिएक्ट कभी नहीं करते, एकदम शांत है। अब अगला केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल का, जब तुम मेटल को रिएक्ट करवाते हो वाटर के साथ, तो देखो जब तुमने मेटल को रिएक्ट करवाया वाटर के साथ तो बनता है दो चीजें, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। बट कुछ ऐसे मेटल होते हैं ना जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं और पानी के साथ आसानी से घुल मिल जाते हैं, यानी कि डिजोल्व हो जाते हैं। अब उन मेटल के अंदर में ना ये प्रोसेस फर्दर कंटिन्यू होता है, फिर लाइक तुमने पहले मेटल और वाटर को रिएक्ट करवाया जिससे बना मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, एंड देन फिर ये मेटल ऑक्साइड फिर पानी के साथ रिएक्ट करता है और बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया, कुछ मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, यही रिएक्टिविटी को समझने के लिए वाटर के अंदर में हम तीन तरीके का अलग अलग वाटर लेंगे, एक कोल्ड वाटर, दूसरा हॉट वाटर एंड स्टीम। जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है ना वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाता है, एंड जो सबसे कम रिएक्टिव होता है यानी कि वो स्वर्ग की अप्सरा वाली, वो क्या होता है, स्टीम वाटर चाहिए होता है उसे रिएक्ट होने के लिए। अब तुम्हें पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पे दो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पोटेशियम एंड सोडियम। ये जैसे ही पानी के कॉन्टेक्ट पे आते हैं ना तो ये हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन तो देते ही देते, साथ में हीट एनर्जी भी देते, एंड लिटरली ये हीट एनर्जी कुछ इस तरीके से होता है कि तुम्हें जला तक सकता है, ये प्योर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद कैल्शियम, जो कि फिर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट तो करता है, बट हाँ इस बार रिएक्शन के बाद बस हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन बनता है, इस बार कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं होता, यानी कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता। अब फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ना कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है, इसे चाहिए होता है हॉट वाटर। क्या इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम को बस हॉट बन दिया, आई मीन हॉट वाटर ही पसंद है, आई डोंट नो, शायद। तो जब ये रिएक्ट करता है हॉट वाटर के साथ तो दो चीज बनाता है, ये हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बस। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हें ध्यान देना चाहिए, कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, ये दोनों ही जैसे ही रिएक्ट करते हैं ना पानी के साथ, हाँ कैल्शियम कोल्ड वाटर के साथ कर रहा है, मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ कर रहा है, बट एक चीज देखने मिलता है दोनों के अंदर ही, दोनों ही रिएक्शन के बाद तैरने लगते हैं पानी पे। क्यों पता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बबल्स ना इन मेटल के सरफेस पे चिपक जाता है, जो इन्हें तैरने पे मजबूर कर देता है पानी के ऊपर। अब इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पे आता है एल्युमिनियम, आयरन एंड जिंक। ये ना ही रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से और ना ही रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, इन्हें चाहिए होता है खास तरीके का स्टीम। और मैंने तुम्हें एक चीज बताया भी था कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वही सिर्फ हाइड्रोक्साइड बना पाते हैं, तो क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड नहीं बनता, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनता है बस। जो सबसे नीचे पे आने वाले मेटल्स होते हैं लाइक लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये लोग क्या करते हैं, वाटर के साथ बिल्कुल ही रिएक्ट ही नहीं करते। बढ़ते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की ओर, मेटल जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ तो क्या होता है। तो देखो जब भी एसिड के साथ तुम मेटल को रिएक्ट करवाते हो ना तो बनता है साल्ट, साथ साथ मिलता है तुम्हें हाइड्रोजन गैस। बट तुमने ये चीज पक्का चैप्टर में पढ़ा हुआ होगा कि एसिड दो तरीके का होता है, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड के साथ दिक्कत ये है ना कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है, यानी कि अगर तुम इसके साथ रिएक्ट करवाते हो ना तो तुम खुद रिएक्ट हो जाओगे और हो सकता है कि तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओ, या इससे भी बदतर ये हो सकता है कि तुम कब्रिस्तान पहुंच जाओ, ऊपर पहुंच जाओ। तो अच्छा ये रहेगा ना कि कंसंट्रेटेड एसिड के साथ हम खिलवाड़ ना करें। तो यहाँ पे क्या होता है, मेटल को हम रिएक्ट करवाते हैं ऑनली एंड ओनली डाइल्यूट एसिड के साथ, क्योंकि हमारा जान हमें प्यारा है, राइट। तो जब मेटल को डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मिलता है साल्ट, साथ साथ मिलता है तुम्हें हाइड्रोजन गैस, हमेशा की तरह जैसे नॉर्मल एसिड के साथ होता है। अब तुम्हें पता, अलग अलग मेटल अलग अलग तरीके से रिएक्ट करता है, तो एसिड के साथ भी जब अलग अलग मेटल रिएक्ट करेगा ना तो अलग अलग बिहेवियर दिखाता है वो। लाइक जब मैग्नीशियम को तुम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो तुम्हें मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि एक साल्ट है, साथ साथ मिलता है तुम्हें हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से जब तुम एल्युमिनियम को तुम रिएक्ट करवाते हो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो तुम्हें मिलता है एल्युमिनियम क्लोराइड, साथ साथ हाइड्रोजन गैस। फिर अगर तुमने जिंक को रिएक्ट करवाया डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो तुम्हें मिलता है जिंक क्लोराइड और साथ साथ मिलेगा हाइड्रोजन गैस। और एग्जैक्ट इसी तरीके से जब तुम आयरन को रिएक्ट करवाते हो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो तुम्हें मिलता है आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। अब एक मिनट रुको, मेरी बात सुनो, मैंने इतने सारे एग्जांपल्स तुम्हें इसलिए बताया ये समझाने के लिए कि जब भी तुम मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वहां पे
हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, बट एक स्पेशल केस है। लाइक जब तुम नाइट्रिक एसिड को लेते हो ना और उसे मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होता है। अब ऐसा क्यों होता है? माना जाता है कि नाइट्रिक एसिड ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि रिएक्शन के दौरान जो मेटल हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है ना उसे नाइट्रिक एसिड खुद ब खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, जिस वजह से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो ही नहीं पाता रिएक्शन के बाद। बट रुको, यहाँ कहानी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि कोई कितना भी एटीट्यूड दिखाए, कुछ लौंडे होते हैं, सख्त लौंडे, ठीक है, जो किसी का भी एटीट्यूड ठिकाने पे ला सकता है। तो हमारे पास भी कुछ सख्त मेटल ऐसे है लाइक मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये कहता है कि भाई हम भी बहुत सख्त है, ठीक है, हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट भी करेंगे और साथ साथ हम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करके दिखाएंगे, और ये करके दिखाते भी है। तो तुम कह सकते हो ये चीज डंका ठोक के कि ये दोनों ओनली मेटल है जो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ कहानी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर पे कुछ आखिरी में आने वाले ऐसे मेटल होते हैं जो किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, बट ये भी ना रिएक्ट करते एक ऐसे खास तरीके का एसिड के साथ जिसे कहते हैं एक्वारेजिया। अब इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से है, रॉयल वाटर, ठीक है। बेसिकली ये है क्या, एसिड ही है, बस मिक्सचर है दो अलग अलग एसिड का, कंसेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। 3:1 के रेशियो पे इसे मिलाया जाता है और जिसके बाद ये एक्वारेजिया बनता है जो कि गोल्ड को पिघला तक सकता है। अ फोर्थ एंड फाइनल केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ये है कि जब मेटल रिएक्ट करता है अदर मेटल साल्ट के साथ तो क्या होता है। ये चीज जानने के लिए ना तो मेरा ये स्टोरी सुनो। मैं जिस दिन से यूनिवर्सिटी पे गया हूँ ना, पहला कदम रखते ही मुझे एक चीज समझ आया कि भाई तुम्हारा दिल कितना साफ है इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा चेहरा कैसा दिखता है, तुम कैसा दिखते हो, यानी कि सिंपली कहो तो तुम कितने अट्रैक्टिव हो, वो फर्क पड़ता है। मैं मान भी लेता हूँ कि तुम्हारा दिल ना बहुत साफ है, तुमने एक अच्छी लड़की पटा भी ली, इंप्रेस कर लिया अपने अच्छे दिल के साथ, बट वो भी ना एक ना एक पॉइंट पे किसी अट्रैक्टिव बंदे को देख के जो उसे भाव देगी ना तुम्हें छोड़ के चली जाएगी यार। तुम मुझसे आर्गू करोगे इस चीज को लेकर कि नहीं भाई लुक्स मैटर नहीं करते, भाई दिल साफ होना चाहिए, बस वही बड़ा बात होता है। मैं भी चाहता हूँ कि मैं गलत हूँ, बट रियलिटी ये है कि ये सच है भाई। तुम कितने अट्रैक्टिव दिखते हो वो मैटर करता है, तुम कितने साफ दिल के हो वो मैटर नहीं करता। बिल्कुल इसी तरीके से जब यहाँ पे किसी मेटल के साथ एक मेटल साल्ट को तुम रिएक्ट करवाते हो तो जो ज्यादा रिएक्टिव वाले मेटल होते हैं ना वो लेस रिएक्टिव मेटल को अपने ही साल्ट से भगा देता है, डिस्प्लेस कर देता है। बस तुम मेरे स्टोरी से कनेक्ट कर लो कि वहाँ अट्रैक्टिवनेस था या रिएक्टिवनेस है, यानी कि यहाँ क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ किसका, जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसे अपने मेटल साल्ट से लात मार के निकाल दिया गया अट्रैक्टिव मतलब रिएक्टिव मेटल साल्ट के साथ। एक अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं, आयरन जो कि एक मेटल है, साथ में मेटल साल्ट लेते हैं कॉपर सल्फेट जो कि एक मेटल साल्ट है, रिएक्ट करवाया तुमने, नतीजा क्या होता है, आयरन सल्फेट बनता है। यहाँ पे कॉपर को क्या करा जा रहा है, अपने ही मेटल साल्ट से लात मार के निकाल दिया गया। तो कुछ ऐसा ही होता है भाई रियल लाइफ में भी, ठीक है। आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। अब एक सवाल, मुझे कैसे पता चला है कि आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से? तो इसीलिए तो बना हुआ है ना रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज जिसका नाम एक्टिविटी सीरीज भी है, जहाँ पे लिस्ट ऑफ मेटल को डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज करा गया है बेस्ड ऑन इट्स रिएक्टिविटी। जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो टॉप पे होगा, जो कम रिएक्टिव होगा एकदम वो बॉटम पे हो। और जैसे ही तुम इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो तुम देखोगे जो मेटल का रिएक्टिविटी है वो कम नहीं लगेगा। लाइक जितना रिएक्टिव पोटेशियम और सोडियम है ना उतना रिएक्टिव गोल्ड या सिल्वर नहीं है, क्योंकि मैंने बताया जो भी मेटल ऊपर में वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे है वो बहुत ही कम रिएक्टिव है। और जब भी कभी केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ये जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ना वो क्या कर देते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यही है जिंदगी की कहानी, और इसी के साथ हमने केमिकल प्रॉपर्टीज को पूरा कंप्लीट कर लिया मेटल का। अब नेक्स्ट है कि मेटल को रिएक्ट करवाना है नॉन मेटल के साथ और देखना है कि क्या होता है। बट रुको, व्हाई रिएक्ट क्यों करवाना है यार, कुछ तो खास बात होगा मेटल और नॉन मेटल के बीच। हाँ है, देखो मेटल नॉन मेटल दोनों ही ये चाहते हैं कि उनका जो वैलेंस सेल है ना वो फुल हो जाए। अब वैलेंस सेल यानी कि जो मेटल या नॉन मेटल का जो आउटर मोस्ट सेल होता है ना वो फुल होना चाहिए। अब जनरली आउटर मोस्ट सेल पे होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स फुल होने के लिए। अब लड़ाई इसी बात को लेके है कि मेटल और नॉन मेटल लड़ रहे कि कैसे हमारा ये 8 इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट सेल पे फुलफिल करे। बट यह दिक्कत ये है कि ना ही मेटल के पास और ना ही नॉन मेटल के पास आउटर मोस्ट सेल पे इलेक्ट्रॉन 8 के 8। तुम यहाँ पे देख सकते हो किताब के अंदर ही ये टेबल दिया हुआ था जहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है नोबल गैस का, मेटल का और नॉन मेटल का। या ध्यान दो, जितने भी नोबल गैसेस है ना इनका जो आउटर मोस्ट सेल है ना वहाँ पे 8 के 8 इलेक्ट्रॉन्स है,
बट तुम नीचे आ जाओ और मेटल को देखो, सोडियम आउटर मोस्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम आउटर मोस्ट सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम आउटर मोस्ट सेल पे 3 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे आगे ये सीरीज बढ़ते रहेगा। अब यही दिक्कत नॉन मेटल के साथ भी है। आउटर मोस्ट सेल पे देखो, नाइट्रोजन का 5 एटम है, ऑक्सीजन का 6 एटम है, फ्लोरीन का 7 एटम है, और ऐसे ये सीरीज आगे बढ़ते रहेगा। बट एक दिक्कत यहाँ पे हमेशा ही रहेगा कि आउटर मोस्ट सेल पे 8K इलेक्ट्रॉन ना मेटल के पास होगा ना नॉन मेटल के पास होगा, और इसी वजह से मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं और अपना आउटर मोस्ट सेल पे ना वो 8 इलेक्ट्रॉन भरने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान देना ये दो बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो देखो, जितने भी मेटल्स होते हैं ना उनका आउटर मोस्ट सेल पे 5 से कम इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जितने भी नॉन मेटल्स होता है उनका जो आउटर मोस्ट सेल है वहाँ पे 5 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब इस वजह से मेटल्स को क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ता है और कैटाइन फॉर्म करना पड़ता है। अब कैटाइन यानी कि एक पॉजिटिव साइन लग जाता है उनके अंदर पे, जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जितना भी लूज करते हैं उसके बाद। देखो एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से 281, यानी कि इसका आउटर मोस्ट सेल पे 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बनेगा, Na+। ये जो प्लस साइन आया ना इसे कहते हैं कैटाइन। ये प्लस सिंबल देके ये सिंबलाइज कर रहा है कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन अपना खो दिया है। एग्जैक्टली इसी तरीके से मैग्नीशियम का ले लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल पे ज्यादा है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देगा और बनेगा Mg2+। अब यहाँ पे 2+ का क्या मतलब है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है। अगेन एल्युमिनियम में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है लूज कर देगा और यहाँ पे 3+। ऐसे आगे बढ़ते रहेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ही प्लस साइन लगा के नंबर लगा देगी। और इसका एकदम अपोजिट नॉन मेटल, जिसके पास आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, तो ये आसानी से दूसरों से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। हमारे मेटल के साथ प्रॉब्लम ये था कि आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन से कम था तो वो दूसरों से ले नहीं सकता था, तो देना ही एक ऑप्शन था। बट नॉन मेटल स्ट्रॉन्ग है, 5 से ज्यादा है, तो आसानी से मेटल से वो ले सकता है, यानी कि ये गेन करेगा, और गेन करके ये क्या बनाएगा, एनाइन बनाएगा। एनाइन क्या है, नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन है जिसका जो आउटर मोस्ट सेल पे क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे 8 करने के लिए बस 2 चाहिए, तो अब ये क्या करेगा, किसी मेटल से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यानी कि गेन कर लेगा और अपने आगे O2- लगा लेगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया यानी कि दूसरे से माइनस कर लिया, तो यहाँ पे 2-। अब एग्जैक्टली इसी तरीके से नाइट्रोजन जिसके आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन, अब इसे और 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये अपना 8 इलेक्ट्रॉन का जो कोटा है रिजर्वेशन है इसे कंप्लीट कर ले, तो ये क्या करेगा, किसी मेटल से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा एंड अपना कोटा कंप्लीट करेगा और अपने आगे लगा लेगा एक एनाइन यानी कि माइनस साइन N3-। 3 क्या सिंबलाइज कर रहा है, कि ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से उधारी पे लेके बैठा हुआ है, ठीक है। अब यही 3 पॉइंट तुम्हें ये बता रहा है कि क्यों मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं। फिर से रिकैप कर देता हूँ। पहला चीज तो आउटर मोस्ट सेल पे दोनों ही जाते हैं मेटल और नॉन मेटल की एक कंप्लीट सेल हो, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन का एक कोटा बने, ठीक है। बट यहाँ पे मेटल के साथ दिक्कत ये है कि उनका हमेशा ही आउटर मोस्ट सेल पे 5 इलेक्ट्रॉन से कम होता है, तो वो किसे ले तो नहीं सकते बट दे सकते, तो वो क्या करते हैं, दूसरों को दे देते हैं और कैटाइन फॉर्म करते हैं। और नॉन मेटल उल्टा है, ये दूसरों से ले लेते हैं और अपना कोटा पूरा करते हैं, यानी कि 8 का कोटा पूरा करते हैं और एनाइन फॉर्म करते हैं, यानी कि नेगेटिव साइन फॉर्म करते हैं। तो अब तुम इस सवाल का जवाब दे पाओगे कि मेटल और नॉन मेटल जब रिएक्ट होता है क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और यही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होके जो चीज बनता है उसे कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, या फिर तुम कह लो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब क्या है ये, जब कोई कंपाउंड बनता है ऐसे ही मेटल और नॉन मेटल के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसे कहते हैं आयोनिक या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। अब कैसे बनता है एग्जैक्टली, फॉर्मेशन को देखते हैं आयोनिक कंपाउंड का। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि फॉर्मेशन यानी कि कब, जब मेटल और नॉन मेटल मिलेगा तब बनेगा एक आयोनिक कंपाउंड। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड क्या एक साल्ट है, यानी कि ये एक आयोनिक कंपाउंड है। बट ये बना कैसे, 2 चीजों से, एक मेटल एक नॉन मेटल। मेटल के नाम पे है सोडियम और नॉन मेटल के नाम पे क्लोराइड। अब तुम्हें पता है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था, 281, और क्लोराइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287। सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और वही पे क्लोराइड के पास आखिरी सेल पे है 7 इलेक्ट्रॉन, बस एक चाहिए तो ये अपना कोटा पूरा कर लेगा आउटर मोस्ट सेल का, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमारा सोडियम ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल पे है वो दे देगा क्लोराइड को, जिसके वजह से हमारा सोडियम के ऊपर लग जाएगा एक पॉजिटिव साइन, और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लोराइड ने ले लिया है तो इसके ऊपर लग जाएगा नेगेटिव साइन और इसके आउटर मोस्ट सेल पे हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखा तुमने कैसे मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया और नॉन मेटल ने वही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया और बनाया एक कंपाउंड। क्या कंपाउंड, सोडियम क्लोराइड, और इसी प्रोसेस को कहते हैं ना फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पे आ सकता है कि सोडियम क्लोराइड जो कि एक साल्ट है कैसे बनता है। सबसे पहला चीज तो एक आयोनिक कंपाउंड है, बनता है नॉन मेटल और मेटल के इंटरेक्शन से। सोडियम के पास एक ज्यादा होता है वो दे देता है क्लोराइड को और बन जाता है इसी के साथ सोडियम क्लोराइड। अब नेक्स्ट आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टीज। पहला है फिजिकल नेचर कैसा, तो आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होता है और हार्ड होता है।
आसानी से वो टूट जाता है। अब इस चीज को कहते हैं ब्रिटेन। मैं अपने आप को भी कभी कभी सोचता हूँ कि मैं भी कहीं आयोनिक कंपाउंड तो नहीं, बाहर से तो सख्त हूँ बट क्या फायदा यार, टूट ही जाता हूँ, लोग अपने बातों में फंसा ही लेते हैं। अब खैर देखो एग्जाम्पल लेते हैं रियल वाला। साल्ट है NaCl, सॉलिड फॉर्म पे होता है और हार्ड होता है, बट इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है छोटे छोटे पीसेस पे, जैसे दिल को तोड़ा जा सकता है किसी के बातों से छोटे छोटे पीसेस में, ऐसे कुछ। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है आयोनिक कंपाउंड का, हाई होता है सिंपली। थर्ड है सॉल्युबिलिटी। देखो आयोनिक कंपाउंड को ना तुम आसानी से पानी पे घुला सकते हो, बट तुम केरोसिन और जो पेट्रोल होते हैं वहां पे ये सॉल्युबल नहीं होता है, यानी कि मिक्स नहीं होता है, ठीक है। एंड आखिरी है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो आयोनिक कंपाउंड अपने सॉलिड फॉर्म पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाता है, बट वही पे अगर आयोनिक कंपाउंड को तोड़ के तुम मोल्टेन या सोल्यूशन फॉर्म पे करते हो ना, तो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। खैर यही पे खत्म होता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब आगे देखना है कि ऑकरेंस ऑफ मेटल, यानी कि मेटल कहाँ से आए नहीं आए। सिंपल मैं बता रहा हूँ, मेटल दो जगह से आते हैं, धरती के नीचे से और ओशन से। ज्यादातर जो हमें मेटल्स मिलता है वो मिलता है अर्थ के क्रस्ट से, रॉक के फॉर्म पे, यानी कि तुम कह सकते हो मिनरल्स के फॉर्म पे धरती के नीचे ये होते हैं। अब तुम्हें मिनरल का मतलब तो पता ही होगा कि नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि धरती के नीचे पाया जाता है। अब तुम्हें ये पता चल गया कि मेटल्स मिनरल्स के फॉर्म पे धरती के नीचे पे अर्थ के क्रस्ट पे एग्जैक्टली होते हैं। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ओर। देखो मिनरल्स हर जगह पाया जाता है बट क्वांटिटी भी मैटर करता है, ठीक है। वो जगह जहाँ पे काफी ज्यादा क्वांटिटी पे मेटल्स पाया जाता है और इसे आसानी से और प्रॉफिटेबली निकाला जा सकता है, उसे कहते हैं हम ओर। देखो अगर मान लो धरती के बहुत गहराई पे कोई मेटल पाया जाता है तो उसे निकालना पॉसिबल नहीं है और प्रॉफिटेबल भी नहीं है। हम चाहेंगे कि धरती के ऊपर ही आसानी से हमें कोई भी मेटल मिल जाए ताकि हम उन्हें यूज कर पाए। तो जो मेटल आसानी से मिल जाता है और लार्ज क्वांटिटी पे होता है उसे कहते हैं हम ओर। अब ये तो था बेसिक चीज, ठीक है। अब जब तुम मेटल को जमीन के नीचे से खोद के निकालने जाओगे ना, तो वो तुम्हें दो स्टेट पे मिलेगा, एक फ्री स्टेट, दूसरा एक कंबाइन स्टेट। फ्री स्टेट पे तुम्हें प्योरेस्ट फॉर्म पे मिलेगा और कंबाइन स्टेट पे तुम्हें नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन होते हुए मिलेगा। अब इसी चीज को और डिटेल में समझने के लिए हम चलते हैं रिएक्टिविटी टेबल के पास। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर में सबसे जो नीचे आने वाले मेटल्स है ना, वो ना फ्री स्टेट पे होते हैं, यानी कि वो अपने प्योरेस्ट फॉर्म पे होते हैं, और इसका मतलब ये भी है कि वो लेस रिएक्टिव होते हैं। और जो सबसे ऊपर होते हैं, टॉप पे होते हैं ना, वो होते हैं कंबाइन स्टेट पे और साथ ही साथ वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। और तीसरा एक होता है जो कि बीच में आता है, ये भी कंबाइन स्टेट पे होता है बट ये ना मीडियमली रिएक्टिव होता है। ये मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं होता और कम रिएक्टिव भी नहीं होता, कहीं बीच में आता है। बट सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या पता है, चाहे जितने भी मेटल तुम धरती के नीचे से निकालो ना, वो ऑलरेडी ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाए हुए होते हैं, यानी कि जितने मेटल है उनके अंदर में फुल ऑफ ऑक्साइड्स होता है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है, एग्जाम में आता भी ये क्वेश्चन, तो दो पॉइंट है बस याद रखना। पहला चीज तो ऑक्सीजन धरती के ऊपर भी है, नीचे भी है, हर जगह है, एवेंडेंट है, ठीक है। और दूसरा चीज, ऑक्सीजन बहुत ही एक रिएक्टिव एलिमेंट है जो कि आसानी से दूसरों के साथ रिएक्ट कर लेता है। खैर ये तो था मेटल्स के बारे में और उनके अलग अलग रिएक्टिविटी के बारे में। अब हमें जानना है कि इन मिनरल्स को हम धरती से निकालते कैसे, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स को ना हमने रिएक्टिविटी के बेसिस पे बांटा हुआ है, लाइक इस टेबल के हिसाब से हमने बांटा है, ठीक है। कुछ ऐसे मेटल्स है जो कि बहुत ही दिखाते लो रिएक्टिविटी, अब उनका जो निकालने का तरीका होगा ना वो अलग होगा। उसी के साथ कुछ ऐसा होगा जो मीडियम रिएक्टिविटी होगा, उनको निकालने का भी तरीका अलग होगा। एंड आखिरी है जो मेटल हाईली रिएक्टिव होगा उनको भी निकालने का तरीका अलग होगा। यानी कि मैं कह रहा हूँ तीनों ही कैटेगरी को निकालने का जो प्रोसेस है ना वो अलग रहेगा। बट इससे पहले तुम ये जानो क्या प्रोसेस रहता है निकालने का, यानी कि मेटल्स को धरती के नीचे से एक्सट्रैक्ट करने का। तो तुम कह सकते हो तीन प्रोसेस रहता है जिससे हम मेटल को ओर के फॉर्म पे धरती के नीचे से निकाल सकते हैं। पहला है एनरिचमेंट ऑफ ओर, दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स और तीसरा है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब ये तीनों क्या है वन बाय वन देखते हैं। पहला स्टेप एनरिचमेंट ऑफ ओर, धरती के नीचे में तुम्हें जहां पता चला कि अच्छा यहाँ पे मेटल्स है और आसानी से हम निकाल सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जाते और ओर को निकालते हैं। अब निकालते वक्त क्या होता है, ये जो ओर होता है ना इसके अंदर पे बहुत सारे इम्प्योरिटीज होता है, लाइक इन ओर्स के अंदर पे होता है सॉयल एंड सैंड। अब इस इम्प्योरिटीज को कहते हैं मैं जब प्रोनाउंस कर रहा था ना मेरे दिमाग में बस यही आ रहा था, बट इसे गैंग कहते हैं। खैर मतलब शायद मेरा प्रोनाउंसिएशन ही खराब है या मेरा दिमाग खराब है, कुछ तो है। खैर मतलब हाँ तुम लोग गैंग ही कहोगे, ठीक है। तो खैर अब ये जो प्रोसेस था ना जहाँ हमने ओर से उनका इम्प्योरिटीज को निकाल दिया, यानी कि हमने उनका गांड गैंग को निकाल दिया, उस प्रोसेस को कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर। अब इसका भी निकालने का अलग अलग तरीका होता है, डिपेंड ऑन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैंग्स एंड ओर्स। लाइक मैं कुछ मेथड्स के बारे में बात कर देता हूँ, जैसे कि हैंड पिकिंग एक तरीका है, हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रॉट फ्लोटेशन एंड आखिरी है केमिकल सेपरेशन।
तो यही भी होता हमारा पहला स्टेप, द एनरिचमेंट ऑफ ओर कंप्लीट। अब सेकंड स्टेप, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम देखते हैं कि मेटल्स कितना रिएक्टिव है। लाइक हमने मेटल्स को डिवाइड करा हुआ है तीन कैटेगरीज में। वो मेटल जो ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते उनका एक्सट्रैक्शन करने का प्रोसेस अलग रहता है, फिर वो मेटल जो मीडियमली रिएक्टिव होता है उनका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस अलग, एंड वो मेटल जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है उनका अलग। तो पहले बात करते हैं उन मेटल्स का जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। एकदम सिंपल वर्ड में बताओ तो हम अभी इस्तेमाल करेंगे हीटिंग या फिर रोस्टिंग मेथड का, जिससे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। लाइक देखो ये ओर है और इसके अंदर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। बट यहाँ दिक्कत ये है ना कि इस ओर के अंदर पे सिर्फ मेटल ही नहीं है, ओर का नेचुरल फॉर्म पे सल्फाइड भी साथ में होता है उसका। अब हमें इस सल्फाइड को इस ओर के अंदर से अलग करना है, जिसके लिए हम हीटिंग मेथड या फिर रोस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम इस ओर को हीट करेंगे, जिसके बाद क्या होगा, ये सल्फाइड जल के खाक हो जाएगा, गैस बन के हट जाएगा इस ओर के अंदर से, एंड हमें मिलेगा एक चीज जिसे कहेंगे आप मेटल ऑक्साइड। और फिर इस मेटल ऑक्साइड से हम आसानी से फिर अगेन फर्दर रोस्टिंग करके हम निकालेंगे मेटल को। एक एग्जांपल लेते हैं आसानी से समझ में आएगा। सिनेबर, ये क्या है, मर्क्यूरी का ओर है, यानी कि इसके अंदर पे मर्क्यूरी के साथ साथ क्या है, सल्फेट भी मिक्स होकर बैठा हुआ है। अब हीट करना है इसे, जिसके बाद हमें मिलेगा मर्क्यूरिक ऑक्साइड, एंड फर्दर हीटिंग के बाद हमें मिल जाएगा मर्क्यूरी। एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है कॉपर के अंदर भी। कॉपर का जो नेचुरल ओर होता है ना, वो प्रेजेंट होता है कुछ इस तरीके से, 2Cu2S। अब इसे करना हीटिंग या फिर रोस्टिंग, जो भी प्रोसेस कह लो तुम, जिसके बाद हमें मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, एंड फर्दर हम इसे हीट करेंगे, जिसके बाद हमें मिल जाएगा कॉपर। बहुत सिंपल था राइट। वो मेटल्स जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते उनका जो ओर होता है उनके अंदर मेटल के साथ साथ होता है सल्फाइड। अब इस सल्फाइड को हटाने के लिए हमें रोस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करना होता है, और रोस्टिंग के बाद हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड, एंड देन फर्दर रोस्टिंग के बाद हमें मिलता है वो मेटल जो हमें चाहिए। अब बात करते हैं वो मेटल्स का जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, लाइक हम बात करेंगे जिंक, आयरन एंड लीड का। तो देखो ये जो मेटल्स होते हैं ना, जो मीडियमली रिएक्टिव होते हैं ना, इनका जो ओर होता है ना, यहाँ पे या तो सल्फाइड पाया जाता है या तो कार्बोनेट पाया जाता है। यानी इनका जो ओर है ना, वो दो फॉर्म पे होता है, सल्फाइड या कार्बोनेट के फॉर्म पे। अगर वो पाया जाता सल्फाइड के फॉर्म पे तब तो हम रोस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर पाया जाता कार्बोनेट के फॉर्म पे तब हम इस्तेमाल करेंगे कैल्सिनेशन मेथड का। अब देखो इन दोनों में बस एक छोटा सा अंतर है, अगर ओर के अंदर पे सल्फाइड होता है तो हम रोस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करेंगे, जहां में जो एयर जो होगा वो एक्सेस अमाउंट पे होगा, और वहीं पे अगर ओर के अंदर पे होता है कार्बोनेट तब हम इस्तेमाल करेंगे कैल्सिनेशन मेथड का, जहां हम इस बार भी हीट तो करेंगे उस ओर को, बट इस बार जो एयर का क्वांटिटी होगा वो बहुत ही लिमिटेड रहेगा। अब दोनों ही प्रोसेस से हमें मिलेगा मेटल ऑक्साइड। अब इस मेटल ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए हमें बर्न नहीं करेंगे, जैसा हमने उन मेटल के साथ किया था जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव थे, क्योंकि ये मीडियमली रिएक्टिव है तो ये इतने आसानी से नहीं निकलेगा। इधर हम एक अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं रिडक्शन, जहां हम क्या करेंगे, इस मेटल ऑक्साइड से इस ऑक्साइड को हटा देंगे और हमें मेटल मिल जाएगा। तो बेसिकली कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, लाइक कार्बन, जिसे हम कोक भी कहते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। इन तीनों में से तुम कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करो और मेटल ऑक्साइड से ऑक्साइड को हटा दे। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिंक। अब जिंक का जो ओर है वो दो तरीके से पाया जा सकता है, उसके ओर के अंदर पे सल्फाइड भी प्रेजेंट हो सकता है और उसके ओर के अंदर पे कार्बोनेट भी प्रेजेंट हो सकता है। अगर जैसे कि मैंने बताया सल्फाइड प्रेजेंट होता है तो हम इस्तेमाल करेंगे हीटिंग मेथड का या फिर रोस्टिंग मेथड का, और यही चीज अगर जिंक कार्बोनेट होता है तो हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम फिर बर्न करेंगे, बट इस बार जो ऑक्सीजन का सप्लाई होगा वो बहुत ही लिमिटेड होगा, जिसके बाद हमें मिलेगा जिंक ऑक्साइड। देखो मैंने बताया था तुम चाहे रोस्टिंग मेथड का इस्तेमाल करो या कैल्सिनेशन मेथड का, मिलना तो तुम्हें आखिर में क्या है, जिंक ऑक्साइड ही है, यानी कि मेटल ऑक्साइड ही है। अब इसके बाद हमें जिंक ऑक्साइड से जिंक और ऑक्साइड को अलग करना है, जिसके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा रिडक्शन का, यानी कि हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा, कार्बन ले लेते, रिएक्ट करवाते, एंड मिलेगा हमें जिंक अलग। बस यही तो था एक्सट्रैक्शन प्रोसेस, जब मेटल्स मीडियम में रिएक्ट करे। अब आखिरी वाला का बात करते हैं, जब मेटल हाईली रिएक्टिव होता है तब हम किस तरीके से मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। देखो जब मेटल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है तब वहाँ पे जो आम प्रोसेस होता है लाइक रिड्यूसिंग एजेंट, उनका इस्तेमाल करके तुम मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तुम्हें इस्तेमाल करना पड़ेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस का। और उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि तुम्हारा जो ओर होगा उसे तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्टन स्टेट पे लाना पड़ेगा, तभी ये काम करेगा। सॉलिड स्टेट पे तुम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो लाइक एग्जांपल लेते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप ये है कि तुम्हें सोडियम क्लोराइड को मोल्टन फॉर्म पे इस कंटेनर के अंदर डालना है। याद रखना कि तुम्हें सॉलिड फॉर्म पे नहीं डालना, क्योंकि सॉलिड फॉर्म पे इलेक्ट्रिसिटी इस पे कंडक्ट नहीं होता है। तो तुमने मोल्टन फॉर्म पे सोडियम क्लोराइड को यहाँ डाला,
एंड देन देखो यहाँ पे दो टर्मिनल्स है, कैथोड जो कि एक नेगेटिव टर्मिनल है एंड एनोड जो कि एक पॉजिटिव टर्मिनल है। अब तुमने क्या किया, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दोहराया। दोहराने की वजह से क्या हुआ, ये जो सोडियम क्लोराइड मोल्टेन फॉर्म पे था ये अब अलग अलग से टूट जाता है सोडियम और क्लोराइड में, एंड ये जो आयन है ना सोडियम का वो जाके डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पे, और जो क्लोराइड का आयन है वो जाके डिपॉजिट हो जाता है एनोड पे। अब ये सिंपली इसलिए हुआ क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर, ठीक है। सोडियम के अंदर पॉजिटिव चार्जेस है तो जाके वो नेगेटिव पे जाके डिपॉजिट हो गया, और क्लोराइड नेगेटिव चार्जेस है तो वो जाके पॉजिटिव चार्जेस एनोड पे जाके चिपक गया, एंड इन दोनों से दो रिएक्शन बना, कैथोड पे बना ये रिएक्शन एंड एनोड पे बना ये रिएक्शन। और इसी के साथ हमने ये भी जान लिया जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वहां पे कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं चीजों को। और इसके बाद है हमारा आखिरी स्टेप, रिफाइनिंग प्रोसेस, ठीक है। देखो एक्सट्रैक्शन हो गया मेटल का, ठीक है, इसके बाद मेटल है हमारे पास, बट इस मेटल के अंदर भी बहुत सारे इंप्योरिटीज होता है। अब इस इंप्योरिटीज को निकालने को ही कहते हैं रिफाइनिंग, एंड रिफाइनिंग करने का तरीका जो हमने चुना है आज वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस, जिससे हम क्या करते हैं कोई भी मेटल को प्योर बनाते हैं, ठीक है। अब कैसे बनाते हैं, देखो हमें जो भी मेटल को प्योरीफाई करना है वही मेटल का दो रॉड्स को लेना है, एक प्योर वाला एक इम्प्योर वाला, जिसमें से जो इम्प्योर वाला है उसे पॉजिटिव चार्ज यानी कि एनोड के साथ कनेक्ट कर देना है, और जो प्योर मेटल होगा उसे नेगेटिव यानी कि कैथोड के साथ कनेक्ट कर देना है। अब उसके बाद इस कंटेनर के अंदर भी तुम्हें डालना है पानी, ठीक है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। सिंपली बता रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाता है ना उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट डालना है यानी कि लिक्विड डालना है, किसका, मेटल साल्ट का। जैसे कि मान लो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कॉपर को प्योर बना रहे हैं यानी कि कॉपर का रिफाइनिंग कर रहे हैं एग्जांपल, ठीक है। तो देखो सेटअप रेडी है, करंट दोहराएंगे, दोहराने के बाद होगा क्या, जो इम्प्योर मेटल एनोड पे है वो डिसॉल्व होने लगेगा इलेक्ट्रोलाइट पे। इसका मतलब ये है कि ये जो इम्प्योर मेटल है इसके अंदर में जो भी चीजें है ना वो मिक्स हो जाएगा इस पानी के साथ, एंड मिक्स होने के बाद दो चीज होगा। पहला चीज, डिसॉल्व होने के बाद जो भी मेटल्स इस लिक्विड के अंदर पे है ना वो जाके चिपक जाएगा कैथोड के अंदर पे यानी कि नेगेटिव चार्जेस की ओर चला जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है मेटल्स हमेशा ही नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करता है। ये चीज तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ था कि अपोजिट अट्रैक्ट इच अदर, और मेटल पॉजिटिव है और वो नेगेटिव की तरफ ही दौड़ रहा है इसलिए, ठीक है। अब ये तो पहला चीज था कि हाँ वो जो इम्प्योर मेटल से वहां से जो मेटल पानी पे घुले थे वो जाके वो प्योर मेटल के साथ जाके चिपक जाएगा। बाकी देखो इस स्टेप के अंदर में हमने इसे इम्प्योर मेटल इसलिए कहा था क्योंकि मेटल के साथ कुछ और चीजें भी थे, तो जो और चीजें थे ना वो दो कंडीशन पे रहेगा, अगर वो पानी के साथ घुल सकता है यानी कि इस इलेक्ट्रोलाइट पे घुल सकता है ना तो वो घुल जाएगा डिसॉल्व हो जाएगा, और अगर नहीं घुल सकता ना तो वो एनोड के नीचे पे जाके जम के बैठ जाएगा, जिसे हम कहेंगे एनोड मड। तो जिस तरीके से जो इम्प्योरिटीज है वो या तो डिसॉल्व हो जाएगा पानी पे या तो एनोड मड के फॉर्म पे एनोड के नीचे रह जाएगा। इसी तरीके से ये जो रिफाइनिंग प्रोसेस है ये कम्प्लीट होता है हमारा। अब यहाँ पे भी ध्यान देने वाली बात यही है कि एनोड पे भी एक रिएक्शन हुआ और कैथोड पे भी एक रिएक्शन हुआ, और दोनों ही रिएक्शन को यहाँ पे दिखाया गया जो कि हमने पहले भी दिखा था, इसे भी याद रख लेना, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है कोरोजन। देखो मेटल जब भी हवा या पानी के कांटेक्ट में आता है तो धीरे धीरे खराब होने लगता है, सड़ने लगता है, गलने लगता है, और इसी चीज को कहते हैं कोरोजन। और ये जो कोरोजन का प्रोसेस है ना ये टोटली नेचुरल प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि आज कल ही हो गया, समय लगता है थोड़ा लॉन्ग टाइम का है, बट जो भी हो समय के साथ मेटल क्या होता है वीक होने लगता है और डैमेज होने लगता है अंदर से। एग्जाम्पल का बात करते हैं लाइक जब भी तुम सिल्वर को एयर के कॉन्टेक्ट पे लाते हो यानी कि मॉइस्चर के कॉन्टेक्ट पे लाते हो तो वो ब्लैक हो जाता है। इसी तरीके से कॉपर है हमारे पास, वो क्या होता है एयर के कॉन्टेक्ट पे आता है और एयर के अंदर पे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टेक्ट पे आता है तो वो ग्रीन कलर का कोटिंग बन जाता है कॉपर के अंदर पे। एंड देन आयरन एयर या वाटर के कॉन्टेक्ट पे आते ही ये क्या हो जाता है कोरोड होने लगता है। अब देखो सवाल ये उठता है कि हम क्या करें ऐसा जिससे हम मेटल्स को पानी या एयर के कॉन्टेक्ट पे आने से रोके, क्योंकि पानी और हर जगह ये भाई कहां से रोकोगे। तो इसी से हमारा अगला टॉपिक है, आखिरी टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, कैसे रोके हम इस कोरोजन को। पहला चीज तो तुम क्या कर सकते हो, पेंटिंग कर सकते हो मेटल के ऊपर। जैसे तुम मेटल के ऊपर पे पेंट कर देते हो तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट पे नहीं आता एयर और वाटर का, तो ये कोरोड भी नहीं होता। एंड देन दूसरा ग्रीसिंग, यहाँ पे क्या होता है मेटल का आउटर सर्फेस पे तुम एक चिपचिपा सा ग्रीस लगा देते हो, ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। अब चिपचिपा से ठीक है गलत मत समझना, बस ये होता है ऐसा होता है, ठीक है, कुछ वैसा नहीं होता जैसे तुम समझ रहे हो चिपचिपा सा। खैर अब ये क्या करता है एयर या वाटर को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे आने से रोकता है इस मेटल के। एंड तीसरा चीज क्या है गैल्वेनाइजेशन। अब ये क्या, देखो स्पेशली गैल्वेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है स्टील एंड आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है जिंक जो कि एक मेटल है बेसिकली, इसे आयरन या स्टील के ऊपर पे एक लेयर बना के कोट कर दिया जाता है।
अब ये क्या करता है, कोरोजन होने से रोकता है आयरन एंड स्टील को। ये तीनों जो तरीका है ना, देखो चाहे तुम लेयर बनाओ पेंट का, ग्रीस का, या गैल्वेनाइजेशन जहां में तुम जिंक का लेयर बना रहे हो, ये शॉर्ट टर्म चीज है। लेयर है, आज है कल घिस के ये लेयर जो है निकल जाएगा। एक ऐसा तरीका चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो और सस्टेन करे, तो इसके लिए है एलॉय बनाओ। एलॉय क्या है सिंपली बताओ, दो तीन मेटल्स या नॉन मेटल्स को लो और मिक्स कर दो ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। तो हाँ, तुम कह सकते हो कि इसका डेफिनेशन एलॉय क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स या नॉन मेटल्स का। बेसिकली जब भी तुम दो तीन मेटल्स को लेके एलॉय बनाते हो ना, ये सिर्फ कोरोजन से नहीं रोकता मेटल को, साथ साथ ये मेटल को स्ट्रांग भी करता है। एग्जाम्पल देखो, अगर तुम आयरन निकल एंड क्रोमियम को मिला देते हो ना, तो बनता है स्टेनलेस स्टील, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही खतरनाक, ठीक है। बट देखो एलॉयज के साथ भी एक दिक्कत है। हाँ, ये जब तुम दो तीन मेटल्स को एक साथ मिक्स करते हो तो स्ट्रांग तो बन जाता है, बट इनके अंदर में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही कम जाता है। लाइक एग्जांपल देखो, कॉपर तुम्हें पता है कि बहुत ही अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, साथ साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। बट यही कॉपर को जब तुम जिंक के साथ मिक्स कर देते हो तो बनता है ब्रश, जो कि एक बहुत ही बेकार कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है। एग्जैक्टली ऐसे जब तुम कॉपर को मिक्स कर देते हो टिन के साथ तो बनता है प्रॉन्ज, और प्रॉन्ज भी क्या है, बहुत ही बेकार कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ही लो है। अब वैसे तो चैप्टर खत्म हो चुका है, बट हाँ, हमारे जनरल नॉलेज के लिए दो और टॉपिक। लाइक तुम्हें पता है क्या, जो प्योर गोल्ड होता है ना, एग्जैक्ट प्योर वाला, ठीक है, वो 24 कैरेट्स का होता है। बट जो इंडिया में जितने भी गोल्ड ज्वेलरीज होते हैं ना, वो 22 कैरेट्स का होता है। क्यों होता है पता है? क्योंकि प्योर फॉर्म में जो गोल्ड होता है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसे स्ट्रेंथ देने के लिए हम क्या करते हैं, दो पार्ट मिक्स करते हैं लाइक कॉपर एंड सिल्वर का, ताकि ये स्ट्रांग बन सके। तो जो ज्वेलरीज पे होता है वो 22 कैरेट्स का होता है। और क्यों होता है वो भी तुम्हें पता चल गया, क्योंकि हमें स्ट्रांग करना होता है गोल्ड को। एंड जब स्ट्रांग का बात चली रहा है, तो हम जो आयरन पिलर कुतुब मीनार पे है दिल्ली के अंदर पे, उसे कैसे भूल सकते हैं। लाइक 1600 ईयर्स हो चुका है और इस आयरन पिलर के अंदर पे बिल्कुल भी अभी तक रस्टिंग नहीं पड़ा हुआ है। गजब बात है ना। खैर, इसी के साथ ये चैप्टर होता है हमारा खत्म। उम्मीद है तुम लोगों को पसंद आया होगा। एनिमेशन करते करते भाई का तुम्हारे फट चुका है। अगर तुम दिल से रेस्पेक्ट करते हो और प्यार करते हो मुझे ना, तो यार चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना मत। लिटरली तुम लोगों का सपोर्ट और मोटिवेशन मुझे बहुत चाहिए, ताकि आगे तुम भी बढ़ पाओ और मैं भी बढ़ पाऊँ। तो भाई को भूलना मत, सब्सक्राइब करके जाना। एंड हाँ, अगर तुम्हें साइंस के ऐसे वीडियोस देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा। ये आखिरी चैप्टर था, तो टेक्निकली साइंस कंप्लीट कर दिया है मैंने क्लास 10th का, तो जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लो। एंड इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल। और एक चीज, मेरा एक दूसरा चैनल भी है द सिबलिंग्स के नाम से, जहाँ हम एनिमेशन कंटेंट फनी वाले कुछ कुछ करते हैं, ठीक है। तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल।